पार्क। मैं लाहौर ना नहर में नहाते थे हम लोग जाके, तो अक्सर ये होता था नहर में, वो कहते थे पाक पानी है चलता हुआ, तो अक्सर कुछ चीजें ना ऐसी चलती हुई जा रही होती थी पानी में, तो हम यूं देख रहे होते थे क्या भाई ये सामने से ही जा रहा है बिल्कुल ये कैसा है टकरा बकरा गया तो, अजीब अजीब चीजें जा रही होती। शॉपर वोपर होते हैं यार, हैं शॉपर वगैरह भी आ रहे होते हैं, भैंसे भी आ रही हैं, भैंसों का भी आ रहा है खाद सामान उसको कहते हैं खाद, हाँ खाद तो अक्सर लोगों के बालों में भी लगे होते थे वो तो होता है कोई नहीं निकले। अबे पता नहीं क्या चिपका हुआ है यार, नहर में नहाने का अपने मजा है। हाँ और मुल्तान वो क्या है जिसको अंदर आम भी होते हैं। हाँ हम लोग तो तरबूज लेके जाते थे नहर में, गर्मियों में तरबूज ले गए अंदर जाके नहर में बैठ गए, वो ठंडा हो जाता था फिर तोड़ के खाते थे अंदर ही, नहीं नहीं अंदर नहीं बाहर निकल, बाहर निकल जाते भाई तरबूज अंदर खा रहे हैं। पिछलवारों में हवा भर के शलवारें बुलाई होती थी, ट्यूब बन जाती है, बड़ा मजा आता था। क्या दिन याद करा दिया यार, बस यार। और फिर वहाँ पुलिस वाले आ गए हमें मारते थे कि निकलो यहाँ से, अब हमें नहाना है। नहीं यहाँ क्यों नहा रहे हो अच्छा। अब तो बिल्कुल ही बंद कर दिया, अब तो सारी चीजें बंद कर दी, खुलेआम नहा ही नहीं सकते आप। मैं नहर की बात कर रहा हूँ, बीच पे जाए अगर आपका खुलेआम नहाने का दिल कर रहा है तो। अब कहाँ रहा बीच, क्यों शोपरे आ रही होती है, उस दिन कूदा हूँ डायपर आ गया, अच्छा वो भी मसाले वाला फिर मैंने साइड पर रखा, मैंने कहा पता नहीं किसकी दुकान भेज गई। नहीं अभी तो खैर जो हमारा सीव्यू वाला एरिया है उसको बहुत साफ किया है, शुक्र है। और मैं लोगों से भी इल्तमास करूंगा हाथ पांव जोड़ के, खुदा के वास्ते उसको अपना बीच समझें, उसका ख्याल करें। ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, थैलियाँ होती हैं, ये समंदर में मत फेंकें। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी मछलियों के जिस्म में से अंदर से वो थैलियाँ निकलती हैं, वो बेचारी वो जर्रे खाती हैं, तो इस तरह से उनकी जानों को भी खतरा है। हम क्यों दुश्मन बने हुए हैं जानदार के भी, ख्याल किया करें। वो तो सी व्यू पे ऊंट घूम रहे हैं उस पर भी ख्याल करें, एक वक्त पे चार चार औरतें ना बैठे, वो ऊंट है रक्षा नहीं है। अबे वो एक ही औरत थी, अच्छा हाँ वो एक इतनी मोटी औरत बैठ गई ऊंट पे, मैंने पहली बार ऊंट की वीली देखी, ऊंट उठ गया बेचारे, ऊंट कमजोर है ना, ऊंट कमजोर, लेकिन ख्याल किया करें थोड़ा सा। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जिदेंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। बुल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।